हैप्पी नवरात्र। माता रानी सबको खुश रखे, परिवार में सुख शांति बनाए रखे और सब हमेशा प्यार से रहे। तो बस हमने झाड़ू वाड़ू लगा लिए मैंने सुबह ही, और चाय बननी रख दी थी, झाड़ू लगा दिया है, पोछा भी थोड़ी देर में लगाऊंगी, पहले चाय बना दिए तो चाय दे देती हूँ। तो ये चाय हमारी हो गई है रेडी, इसे दे देते हैं और बस बिस्किट या टोस्ट वगैरह ले लेते हैं। तो मैंने बनाए कॉर्न, बॉईल कर लिए भुट्टा, तो बस मैंने इसको बॉईल कर लिया है और बस नींबू की कमी है और खीरा टमाटर है, टमाटर अभी कट करूँगी और मैंने बॉईल कर लिए है, तो बस मैंने कट कर दिया। बॉईल कर दिया, इसमें प्याज हरी मिर्च बारीक कट करके डाल दिया और इधर दूध कर दिया, बस नमक डालना रह रहा है वो डाल देते हैं, नींबू नहीं है तो नींबू को हम स्किप कर देंगे। हम लोग ये दिया रेड डेकोरेट करने के लिए बैठ गए हैं, अभी बस लाइनें वगैरह बना दी है और सब बैठ गए हैं। इधर मिट्टू बैठे हैं, अक्षित भी बैठा है और बनी भी नहीं है। अभी हम सब बस कलर करेंगे, काम मैंने खत्म कर लिया, खाना वाना सब हो गया है, ब्लैक और व्हाइट लाइनें बनाई है इसमें और इधर भी थोड़ा सा ऐसे करें, तो बस कलर करना रह रहा है, अभी कलर करेंगे। हमें कलर ये रखे हैं, ईयरबड्स ले आए हैं क्योंकि ब्रश नहीं है हमारे पास। तो कैसे लग रहे हैं, रिबन और बस दिया डेकोरेट करके बस मैं अब चाय बनाने जा रही हूँ। वो रख दिया है क्योंकि अक्षित को देना है, तो इसलिए कंप्लीट करके रख दिया है मैंने। आज मैं लेट ही ना आई हूँ क्योंकि उसे कंप्लीट करके फिर कलर वलर लग जाता है, इसलिए मैं नहाई नहीं थी। तो बस मैं अभी नहा धो के अब बना रही हूँ चाय, क्योंकि कलर बनी की छुट्टी हुई थी, तो बनी और मैंने हम दोनों ने मिलके बनाया था। वो कहती आंटी मैं भी बनवाऊँगी, मैं भी हेल्प करूँगी, कैसे बनाऊँगी आप, तो बस हम दोनों ने मिल के कलर कर लिया था। कलर वही लेके आई थी क्योंकि मेरे कलर याद नहीं रहते लाने, तो बस बनी के कलर ही यूज़ किए थे मैंने हम दोनों ने। और इन तीनों बच्चों ने, मिट्टू और अक्षित और अनिक, तीनों कलर लेके लगे पड़े थे बिल्कुल, क्योंकि वो कलर का ब्रश तो था नहीं हमारे पास और एयरबग थे जो, उससे बस हमने किया है कलर दिए में। तो बस कंप्लीट हो गया है, अभी बस झाड़ू लगाऊंगी, बज गए हैं 5 अब, तो बस चाय बननी रख दी, चाय देते हैं सबको। ये चाय मैंने बननी रखती है, अभी बर्तन पड़े हैं, बर्तन साफ करूँगी और फिर चाय दे दूँगी जब तक चाय बन जाएगी। रख दिया है अभी, इधर रख दिया है क्योंकि बाहर आर्निक तोड़ देता है, तो देखो 5 बजने वाले हैं अभी घड़ी में भी। ये रहा यहाँ पे दिया,
ये रहा सही से दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये रहा बाहर से अच्छा लग रहा है सुंदर, मैंने मिरर वगैरह लगा के कंप्लीट कर दिया है और अंदर से ऐसा है तो बाहर से ज़्यादा डेकोरेट कर दिया है। ये सिंपल से ज़्यादा कुछ नहीं, बस ज़्यादा इससे या तो छोटे मिले तो बस मैंने इस साइज का लिया दिया और ये कंप्लीट हो गया है हमारा। आप लोग बताना कैसे डेकोरेट किया है, अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं बच्चों की वैसे ऐसे ही सिंपल से ही कर दिया मैंने डेकोरेट, प्यारा लग रहा है। खेल ले, हाँ ठीक है। क्या कर रहा है मैं बच्चा? गाड़ी बनाओ। मैं बनाऊं गाड़ी? बनाऊं गाड़ी। बनाओ कर रहे हो? गोरिल्ला बन के दिखाओ। हेलो गोरिल्ला, ओए गोरिल्ला। शेर का था जब, है ना? अक्षित की फोटो भी है इसमें, एक वीडियो है अक्षित की शर्ट में, भैया ने शर्ट पहनी थी जब ये। और हम बना रहे हैं छोले की सब्जी। छोले खाएगा नहीं? हाँ छोले खाऊंगा। छोले का छोले अभी बॉईल हो रहे हैं, अभी मैंने कुकर में रख दिया बॉईल करने के लिए। दिखाओ इसमें है, ये सीटी लग रही है ना कुकर में। हाँ। कुकर में रखी है अभी, अभी आप खेल के लिए कर लो। और अक्षित भी ऐसा सही लग रहा था, अब लोगों को दिखाऊंगी इसकी वीडियो। ऐसे ही खेल रहे हैं, होली वाले दिन पहनाए थी से मैंने ये शर्ट और ये बस आर्निक का बना दिए आज, नहीं रखी थी। प्याज और ये सब चीजें निकाल ली और अभी मैं इनको छीलूंगी। बस छोले बॉईल हो गए हैं और बर्तन भी साफ कर दिए मैंने, क्योंकि आर्निक आ गया था अंदर तो वो टाइम वेस्ट कर देता है मेरा, उसे दूध पीना था तो उसे दूध पिला के भेज दिया बाहर। और अब हम कर लेते हैं कटिंग प्याज वगैरह की और फिर सब्जी छौंकते हैं। और बस आज मौसम ठंडा सा हो गया, हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी बाहर, और अब सर्दी स्टार्ट हो जाएगी लग रहा है आज से ही, क्योंकि आज अभी मैं बाहर गई थी, मैंने स्लीप ड्रेस पहना है तो थोड़ी ठंडी सी लग रही है, ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है उधर, हमारे उधर बारिश हुई है आज सहारनपुर में, तो इसलिए मौसम ठंडा हो रखा, हवा चल रही है तेज़ और इधर भी ठंड होने वाली है बस स्टार्ट। तो चलिए बस हम लोग ये सब्जी की कटिंग कर लेते हैं और बस खाना बनाते हैं। पूरा दिन ऐसे काम में निकल जाता है, बच्चों की हेयर वेयर में और काम में, बस धीरे धीरे ऐसे ही खत्म हो जाता है। बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो बोर हो जाते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ कराना पड़ता है, बच्चों का भी करना होता है, अपना भी और घर का भी, तो सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है टाइम। बस ये है कि रेस्ट नहीं कर पाते, रेस्ट करोगे तो फिर काम छूट जाएगा, इसलिए बस रात में ही रेस्ट करेंगे, अभी फ़िलहाल काम कर लेते हैं। और आज मार्केट भी है तो सब्जी लेने भी जा रहा है, तो इसलिए मैं सब्जी थोड़ी जल्दी बना ले रही हूँ। अभी बज रहे हैं 6:15 हैं, कितना टाइम, 7:45 हो रहे हैं, और मैं बस सब्जी बनाऊँगी अब, बाकी शाम के मेरे हो चुके हैं बर्तन वगैरह, चाय मैंने जल्दी बना ली थी आज, तो बस अपना काम स्टार्ट करते हैं। पूरा दिन ऐसे निकल जाता है तो बस टाइम का पता ही नहीं चलता है बच्चों के साथ में। अब मेरे दोनों बच्चे तो बस ऐसे हैं कि स्कूल जाता है, दूसरा सो के उठ जाता है, फिर पूरा दिन दोनों धम मचाते हैं, ना कुछ करने देते हैं ना किसी को बैठने देते, तो अगर उनके साथ ना खेले तो फिर बोलता है अक्षित मम्मा आप तो मेरे साथ खेले ही नहीं,
हमारे साथ खेल लो। तो बस थोड़ी देर मैं उनके साथ खेली थी, एक दो हमने रील्स बनाई है बस साथ में, बस ऐसे ही हमारा दिन निकल जाता है। वैसे तो जिंदगी में टेंशन बहुत है, पर टेंशनों को दूर भगा के अपना अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहो, उनके साथ खेलो और बस मस्ती करो, तो टेंशन बच्चों के साथ में भूल जाते हैं। वरना इस दुनिया में काम 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 और कुछ नहीं। प्याज लग गई है, तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। बॉयल हो गए हैं, अब बस चुन्नी वो मेरे सिर पर टिक नहीं रही थी तो मैंने दूसरी रखी थी। अभी पापा बाहर बैठे हैं इसलिए मैंने बस चुन्नी उतार दी थी। और हमारे छोले बॉयल हो चुके हैं, कर लिए हैं, और मैंने इसमें आलू भी डाल दिए क्योंकि आर्णी को पसंद है। तो बस दो आलू डाल के बनाऊंगी थोड़ी सूखी सी सब्जी रोटी के साथ, क्योंकि चावल हमने दोपहर ही बनाए थे। आर्णी की सब्जी में पोटैटो देख के खुश हो गया, इसकी वजह से ही बस पोटैटो डालने पड़े हैं, है ना? आर्णी को पसंद है। अभी देख के खुश हो गया, गो वाओ पोटैटो, यम 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 यम, पोटैटो वाओ, टेस्टी लगते हैं आपको? टेस्टी लगते हैं मेरे बेटे को। आर्णी ने क्या खाया अभी? पोटैटो खाया। पोटैटो नहीं, टमाटो। और कुकुम्बर। अभी यही काट के दिए थे जब तक इन दोनों को, फिर ये खाना नहीं खाते, अब बस वही खा के रह जाते, इसलिए इन दोनों को मैं पहले ही दे देती हूँ खाने के लिए। रेडी हो चुकी है यमी यमी वाली। हाँ सब्जी का है, सब्जी तो है ये।